नमस्ते दोस्तों, हम सब हार्ट अटैक से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमने बहुत सेलिब्रिटीज़ और कॉमन लोगों को भी देखा है हार्ट अटैक आते हुए, जिसके वजह से उन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल रश किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर्स एंजियोप्लास्टी द्वारा उन्हें बचा पाते हैं, कभी कभी इतना समय भी नहीं मिलता कि उन्हें ट्रीट कर पाएं। क्यों होता है ये हार्ट अटैक? क्योंकि हार्ट को सप्लाई करने वाली जो नसें हैं, कोरोनरी आर्टरीज, इसमें कोलेस्ट्रॉल का चूना जमा हो जाता है, जो धीरे धीरे इन नसों को ब्लॉक करता है और हार्ट तक खून को नहीं पहुंचने देता। शुरुआती स्टेजेस में जब ये फ्लो कुछ हद तक पार्शियली कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तब पेशेंट को एक्सरसाइज के दौरान पेन होता है। इस पेन को बोलते हैं अंजाइना या अंजाइनल पेन। लेकिन जैसे जैसे ये ब्लॉकेज बढ़ता है, अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट को एक मेजर हार्ट अटैक आ सकता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज इररिवर्सिबल हो सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। इस पूरे बीमारी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल केवल हार्ट की नसों में जाके बैठता है। यही कोलेस्ट्रॉल अगर गर्दन या ब्रेन की नसों में जाके बैठ जाए और ब्रेन में खून की मात्रा को कम कर दे, तो शुरुआती स्टेजेस में ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स आते हैं, यानी कि रिवर्सिबल स्ट्रोक्स। पर अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मेजर इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पैरालिसिस हो सकती है या डेथ भी हो सकती है बड़े स्ट्रोक्स में। और जो वीडियो का मेन मुद्दा है आज, अगर यही कोलेस्ट्रॉल और चूना पैरों की नसों में जाकर जमा हो जाए, फ्लो को कम कर दे, तो इनिशियल स्टेजेस में पेन होना शुरू हो जाता है एक्सरसाइज पे, जिसे इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं, यानी कि पैरों का अंजाइना। और अगर इसे इस स्टेज पे ना ट्रीट किया जाए तो ये पेन कंटिन्यूस हो सकता है और फाइनली ये पैरों का कालापन, यानी कि गैंग्रीन, या फिर पैरों में घाव, यानी कि अल्सर के रूप में प्रेजेंट कर सकता है, जिसके लिए पैरों को काटना पड़ सकता है। और इसलिए इसको मैं पैरों का हार्ट अटैक बुलाता हूँ। जिस तरह हार्ट की बीमारी को कहते थे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उस तरह इस बीमारी को कहते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, क्योंकि ये पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज यानी कि पैरों में बहुत कॉमन है। कैसे प्रोग्रेस होता है ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज? पहले जब ब्लॉकेज कम होती है, जैसा हमने बात किया, पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उन्हें चलने में दर्द होता है और एक पर्टिकुलर कदम लेने पे बहुत तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। जैसे कुछ पेशेंट कहते हैं कि जब मैं 1 किलोमीटर चलता हूँ एग्जैक्टली तब दर्द शुरू होता है, फिर मैं रुक जाता हूँ तो दर्द कम हो जाता है, फिर चलता हूँ फिर 1 किलोमीटर के बाद एग्जैक्ट दर्द शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, यानी कि पैरों का अंजाइना, जैसे हमने डिस्कस किया। अगर इस स्टेज पर ब्लॉकेज को नहीं ट्रीट किया जाए दवाइयों द्वारा और एक्सरसाइज द्वारा, तो ये जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का, ये कम 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 होते जाता है और इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन सीरियस होता जाता है। इतना सीरियस कि एक दिन ये रेस्ट पेन में बदल जाता है और पेशेंट को 2400 घंटे पेन शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि सोते समय भी वो आराम से सो नहीं पाते, पेन किलर्स भी आराम नहीं देते हैं। इसके बाद भी अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो पेशेंट को गैंग्रीन या अल्सर शुरू हो सकता है, पैरों में कालापन या पैरों में बड़े बड़े घाव, जिसको दवाइयाँ देने के बावजूद और मलहम के बावजूद कभी कभी ठीक नहीं हो पाता। फाइनली इसका इलाज सर्जरी द्वारा करना पड़ता है, कुछ केसेस में डिब्राइटमेंट पर बहुत से केसेस में एम्प्यूटेशन। किन पेशेंट्स में ये कॉमन है? ये उन्हीं पेशेंट्स में कॉमन है जिनमें हार्ट अटैक्स या हार्ट के ब्लॉकेजेस भी कॉमन है। इसके 3 सबसे कॉमन रीजंस है, पहला डायबिटीज़, दूसरा स्मोकिंग और तीसरा डीरेंज लिपिड प्रोफाइल, यानी कि खून में चर्बी और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा मात्रा। ऑफकोर्स हाई एज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ऐसे कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, बट मेन ये 3 कारण है इंडिया में और इनफैक्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। दोस्तों अब बात करते हैं इलाज की। जिस तरह अगर हार्ट अटैक आ जाए तो कुछ ही मिनटों का टाइम देता है और उसके बाद इलाज बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, इलाज के रिजल्ट्स, उसी तरह अगर इसे अर्ली स्टेज में ट्रीट किया जाए तो बेस्ट है। आप प्रिवेंट करो गैंग्रीन या अल्सर फॉर्मेशन, एम्प्यूटेशन बेस्ट रहेगा, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करो। तो जैसे ही इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है या उसके भी पहले, जैसे ही आपको पता है आपको डायबिटीज़ है या आप एक स्मोकर रहे हो या लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, तुरंत अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से बात करके या फिजिशियन से बात करके अपने पैरों का भी डॉपलर या जाँच कराएं, देखने के लिए कि सारा फ्लो पैरों की तरफ ठीक है ना। अगर ब्लॉकेजेस बन चुके हैं और इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है, तो सिंपल खून पतला करने की मेडिसिन और कुछ एक्सरसाइज रेजिमेन से इसको बढ़ने से प्रिवेंट किया जा सकता है, ताकि इसी स्टेज पे ये कंट्रोल आ जाए। लेकिन यदि गैंग्रीन या अल्सर बन चुका है या माइनर एम्प्यूटेशन तक बात पहुंच चुकी है, तो भी पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी से, यानी कि पैरों की नसों की एंजियोप्लास्टी से, इस स्टेज को कुछ हद तक रोका जा सकता है और एक मेजर एम्प्यूटेशन प्रिवेंट किया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेस होगा। अब पूरे वीडियो में मैं बार बार एम्प्यूटेशन से इतना डरा क्यों रहा हूँ? क्या एम्प्यूटेशन इतनी बुरी चीज़ है? क्या हम नहीं देखते कि एम्प्यूटेशन के बाद प्रोस्थेसिस लग सकता है और कुछ व्यक्ति तो प्रोस्थेसिस लगा के पैरा ओलंपिक्स भी खेलते हैं? दोस्तों ये बात सच है, सही मोटिवेशन और इलाज के साथ प्रोस्थेसिस लगाने के बाद एम्प्यूटीज भी बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता सकता है। लेकिन
प्लीज़ प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़िए। स्टडीज़ ये बताता है कि मेजर एम्पिटेशन के बाद 37% पेशेंट्स एक साल का सूरज नहीं देख पाते, तकरीबन 50% पेशेंट्स, आधे पेशेंट्स दो साल तक नहीं जीवित रह पाते और 70% तक पेशेंट्स अलग अलग कारणों की वजह से 3 साल तक जीवित नहीं रह पाते। ऑफकोर्स इसका कारण ये है कि पैरों की ब्लॉकेजेस के साथ साथ हो सकता है उनको ब्रेन में ब्लॉकेजेस हो, हार्ट में ब्लॉकेजेस हो, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स और लिपिड प्रोफाइल तो सेम ही है, लेकिन साथ साथ बहुत सारा एक विशेष साइकिल शुरू हो जाता है जिसमें पेशेंट को बेड सोर, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज, यूरिनरी इन्फेक्शन और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो सकते हैं। इसलिए अगर हम एम्पिटेशन प्रिवेंट कर पाए तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा पेशेंट के इलाज में। फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई आपको झूठी आशा नहीं दे रहा कि एंजियोप्लास्टी से मेजर एम्पिटेशन प्रिवेंट हो सकते हैं। इंटरनेशनल और नेशनल दोनों स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि एंजियोप्लास्टी से बहुत हद तक मेजर एम्पिटेशन प्रिवेंट हो सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको दो प्रैक्टिकल केसेस दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये है इन केसेस की ओरिजिनल इमेजेस। इस तरह ये पेशेंट का घाव और ये पेशेंट के गैंग्रीन दिखते थे। इन दोनों पेशेंट्स को मल्टीपल सर्जन्स ने रिकमेंड किया था कि आपको मेजर एम्पिटेशन ही कराना पड़ेगा क्योंकि आपके एंजियोग्राफी पे इतने सारे ब्लॉकेजेस है कि किस किस को ठीक किया जाएगा। लेकिन जब ये हमारे पास आए, समझते हुए कि एम्पिटेशन तो आसान इलाज है, उसके पहले एक बार एटलीस्ट इनको एक अटेम्प्ट देते हैं पैर बचाने के लिए, हमने डिसाइड किया कि डिस्पाइट जो क्लिनिकल चैलेंजेस है जिसमें हमें बहुत घंटों तक मेहनत करके एंजियोप्लास्टी करके उनके खून का फ्लो को बढ़ाना पड़ेगा और ये जानते हुए कि कॉस्ट भी बहुत हाई है, फेलियर चांसेस भी है, हमने इनको ट्रीटमेंट ऑफर की और ये पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट एक्सेप्ट की। फाइनली एंजियोप्लास्टी के बाद कुछ हफ्तों के वुंड केयर के बाद ये है इन दोनों के पैरों का हाल। पूरी तरह इनके घाव या गैंग्रीन सूख चुके थे और इनका एक मेजर एम्पिटेशन प्रिवेंट हो गया। ऑफ कोर्स इसमें सिर्फ एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट यानी कि मेरा हाथ नहीं था, एक टीम वर्क था जिसमें हमारे जनरल सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जिन्होंने उनका शुगर कंट्रोल किया एंड एनेस्थेटिस्ट, सबका कंबाइंड रोल था जिसकी वजह से आज ये दोनों पेशेंट्स अपने पैरों पे चल पा रहे हैं। लेकिन मैसेज ये है कि ये पॉसिबल है, तो इसलिए अगर आपको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है या फिर ऊपर दिए गए जो रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, स्मोकिंग, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज, ये सब है, तो प्लीज़ एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए। समय पर प्रॉपर मेडिसिन और एक्सरसाइज थेरेपीज चालू कीजिए। अगर किसी कारणवश गैंग्रीन या अल्सर शुरू हो गया है तो भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कुछ प्रॉपर टीम वर्क के साथ शायद आपके पैरों को बचाने में सक्षम रहे। सो दोस्तों, कब तक हम इलाज के पुअर रिजल्ट्स को डॉक्टर के ऊपर थोपेंगे कि ये डॉक्टर ने तो हमें ऐसा ऑप्शन बताया ही नहीं, ये डॉक्टर ने तो हमें इस आधुनिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया ही नहीं। ये वीडियोस हम बना ही रहे आपके एम्पावरमेंट के लिए ताकि आप अपने फैसला खुद रह पाइए। तो सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।